अगर और मैं मॉडल्स की मैं बात करूं तो काफी सारे और मॉडल भी है। ये भी एक 45 HP का एक दूसरा वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये मॉडल है। और भी एक ये 18 HP का 3 सिलेंडर गाड़ी है जो कि 2-व्हील ड्राइव ऑप्शन में अवेलेबल है, जो 4-व्हील ड्राइव में भी आती है। और ये मॉडल आप एक और मॉडल अगर आप देख रहे हैं, ये 932 है, 9 सीरीज के नाम से ये मॉडल आता है, जो कि जापानीज कंपनी यानमार है, उसके सुप्रा इंजन हम लोग इस चीज में इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो फीचर की मैं अगर बात करूँ तो 2-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव दोनों मोड में ये अवेलेबल है। और अगर PT ऑप्शन की मैं इसमें बात करूँ तो 750, 540 और रिवर्स PTO तीनों PT ऑप्शन के साथ में ये मॉडल अवेलेबल है। 932 मॉडल का नाम है, 30 HP का है ये ट्रैक्टर है। और इसमें इंडिपेंडेंट क्लच भी आपको अवेलेबल मिलता है, तो आपको जरूरत है तब सिर्फ आप अपना क्लच इंगेज करेंगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं तो आप अपना क्लच जो भी डिसंगेज भी कर सकते हैं। और लो हाई मीडियम 3 गियर ऑप्शन के साथ में ये आपको अवेलेबल है, 9 गियर फॉरवर्ड और 3 गियर आपको रिवर्स में मिलेंगे। और बाकी का फेंडर और बाकी की सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो रोबस्ट लुक जो ट्रैक्टर में होना चाहिए, जो किसान गार्डनिंग के लिए मेनली लोग यूज करते हैं, उसके लिए सबसे मॉडल है, जो कि बागवानी के क्षेत्र में किसान भाई यूज करते हैं। और इस ट्रैक्टर में और भी सीरीज है जो 936 के नाम से भी आता है, 939 के नाम से आता है, तो 36 HP भी हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। नमस्कार।